हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? और अभी हम जा रहे हैं घूमने, अपने फ्रेंड के। और ये वाला टॉप डाली है और ये ग्रीन वाली जीन्स डाल दी है कि मुझे कंफर्टेबल लगता है। और सब्जी मैं बना के जा रही हूँ ताकि सब्जी बन जाए, आने पे दिक्कत ना हो। आने पे बस रोटियाँ बनानी रहेंगी। और टेंटन भी टेंटन हेलो कर दो, टेंटन हेलो कर दो, हाय हाय करो, हेलो गाइस, नौटंकी बनता है, हेलो गाइस। और टेंटन भी डैडी हो गई है और हमारा गाना भी रेडी हो गया है। वाओ स्मार्ट बॉय, ये कौन है? स्मार्ट बॉय। काना को जीन्स पहना दिया, फुल स्वेटर पहना दिया, मतलब टी शर्ट है क्योंकि बाहर ठंड लगेगी ना, इसलिए हमने काना को रेडी। काना काना देखो तो, काना हेलो हेलो हेलो। तो ये हमारे काना का लुक है। काना बड़ा हो गया है थोड़ा, बहुत घर फैलाती है यार टेंटें बहुत ही। और ये दो दिन से इनकी छुट्टी थी ना, तो ये घर पे थे, कल तो नहीं गए थे हम लोग। सब्जी बना के जाओ ना कहीं, फिर आने के बाद ना एक तो आलस आता है, आने के बाद खाना बनाने का मन नहीं करता। सारी तैयारी करके जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि आके आपको कम से कम आलस तो नहीं आएगा। और मेरे पति की तो आदत है घर का खाना होनी चाहिए, घर बाहर जाएँ जितना भी खा लें तो घर का खाना होना चाहिए। एक पराठा ही खाएँ, खाएँगे ज़रूर। तो फिर इससे अच्छा तैयारी करके जाओ, आने के बाद आलस ना। ये क्या है, ऑयल गिरा है क्या? ऑयल यहाँ तक कैसे आया? रिफाइंड फैल गया था ना, तो वो रिफाइंड के पैर थोड़े थोड़े से इनके पैर में रिफाइंड लग गया, तो पूरे घर में रिफाइंड सा हो गया। तो मैं पहले इसको क्लीन कर दूँ वरना मुझे उलझन हो गई। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आप लोगों। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, मैं टिनटिन और कान्हा। एंजल घर पे ही रहेगी, वैसे तो टिनटिन को भी नहीं ले जाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा चलो ज़िद कर रही हूँ, उसे लेके जाती हूँ। और काफ़ी दिनों के बाद जा रहे हैं। और कान्हा को अगर आप कहीं भी, वैसे तो बहुत कम ही निकलता है वो क्योंकि छोटा ही था, लेकिन ऐसे भी जैसे हम एक दो बार उसे मंदिर लेके गए हैं, मार्केट में तो खैर नहीं लेके गए हैं, और ऐसे भी स्कूटी पे किसी काम से अगर गए हैं, उसे ले लिया हमने, तो उसे बड़ा मज़ा आता है, मतलब दुनिया देखने में। और एकदम देखता रहेगा, ना रोएगा ना दूध मांगेगा, मतलब वो थोड़ा सा ना घुमक्कड़ टाइप का है। उसको घूमने में बहुत अच्छा लगता है, उसे घूमने का बहुत शौक है। अभी तो फ़िलहाल वो निकल नहीं रहा है घर से, अब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो अब ठंडी आ जाएंगी, जाहिर सी बात है। फिर ठंडियों में आदमी वैसे ही डर के मारे नहीं निकलता क्योंकि बच्चे की पहली ठंड होगी, और बच्चे की जब पहली ठंड होती है तो इंसान बचाता है कि मतलब ठंड वंड ना लगे। और यहाँ पे एंजल ले रही थी क्लिप, मैं अपना फ़ोन एंजल के ही पास छोड़ के जा रही थी। एक फ़ोन घर में, क्योंकि एंजल का फ़ोन हो गया है ख़राब, तो एक फ़ोन घर में होना चाहिए बच्चे के साथ, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होती है। और ये देखिए हम पहुँच गए हैं अपनी फ्रेंड के, और यहाँ हो रही है फाइटिंग ज़बरदस्त वाली दोनों में, क्योंकि बच्चे जब एक से ज़्यादा कहीं भी एक से ज़्यादा अगर बच्चे होंगे तो वहाँ लड़ाई तो होनी ही होनी है। तो बस, और बहुत मज़ा आया, काफ़ी दिनों के बाद गए थे। और ये रहे काना, ये अपनी ज़िंदगी में मस्त है, ये अपनी पलटी मार रहे हैं, देखना चाह रहे हैं क्या है क्या नहीं है। तो आज मैंने इसको येलो टी शर्ट पहनाई थी, और येलो टी शर्ट नज़र ना लगे, मतलब गर्म टी शर्ट थी, इसके ऊपर बहुत ही सूट कर रही थी, अच्छी लग रही थी। और ये लोग मतलब ये दोनों इतना चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, किसी को ना बात करने दे रहे थे। और लड़ाई, इन दोनों की लड़ाई छुड़वाने में ही हम लोग का टाइम ज़्यादातर बीत रहा था। और काना भी सोच रहा था कि इन लोगों को देख के वो भी सोच रहा था कि मैं भी उठ जाऊँ या करूँ कुछ, देखें अभी तो वो कर नहीं सकते, जब वो भी बढ़ेंगे तो वो भी करेंगे। तो बस बहुत अच्छा लगा वीडियो, अगर आपको पसंद आई वीडियो लाइक कर दीजिए, नहीं हुआ तो सब्सक्राइब किए ना, बिल्कुल मत जज